हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरे हाथ में देख सकती है जो मी 11X है, और इसके अंदर जो गाइस आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर एक न्यू अपडेट जो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि मी वाई 12.5.7.0 है। और ये जो गाइस इनहेंस बेस्ड अपडेट है, पहले हमें इनहेंस देखने को मिल जाता था, लेकिन ये जो आपको बोल सकते एक इनहेंस वर्जन बेस्ड देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसके अंदर जो आप लोगों को मैंने जो सब कुछ बता दिया है ऑलरेडी, वीडियो डाल दिया है, इसके अंदर जो दिसंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच वगैरह देखने को मिल जाता है, क्या कुछ नया आया है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो डाला है, आप जो चैनल के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले इसके गेमिंग टेस्ट के बारे में, जहां गाइस हम जो इसके अंदर जो पबजी बोल सकते हैं या फिर BGMI बोल सकते हैं, हम जो एक इसके ऊपर जो टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें जो आफ्टर अपडेट इसमें जो कुछ डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है गेमिंग के अंदर, या फिर वैसा ही देखने को मिल जाता है एज इट इज जैसा प्रीवियस अपडेट के अंदर था। तो मैंने जो यहाँ पर BGMI अपने फोन के ऊपर डाल दी है, और इसके अंदर जो मैं BGMI गेम प्ले करूंगा, थोड़ा बहुत जो TDM गेम प्ले करेंगे, उसके बाद जो यार एक आदि क्लासिक भी खेल के देखेंगे इसमें क्या फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिल जाती है या फिर नहीं। और गाइस सबसे पहले तो यार मेरे गेम प्ले को जज मत करना, क्योंकि यार वीडियो बनाते टाइम गेम प्ले करना यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके आप समझ सकते हैं। फिलहाल जो गाइस हमारे डिवाइस की बैटरी की बात करते हैं, हम जो मैं जाता हूँ बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 77% जो है यहाँ पर बैटरी चार्ज है। और गाइस यहाँ पर जो टेम्परेचर की बात करें तो 27 है, और यहाँ पर जो लगभग 10:30 बज चुके हैं, तो यार आप समझ सकते हैं यार अभी जो है मौसम जो सर्दी का चल रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर भी देखने को नहीं मिलेगा। एक ही रूम के ऊपर जो है लाइट, मेरी रिंग लाइट ऑन है, और एक जो है नॉर्मल सी ट्यूब लाइट ऑन है, तो इसके ऊपर जो हम टेस्ट करने वाले, तो चलो फटाफट से हम कर लेते हैं। बैकग्राउंड में देख सकते सब कुछ जो क्लियर कर देता हूं, और ये जो मेरा 6 128 GB का वर्जन है, वेरिएंट है, तो चलो फटाफट से हम गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो गेम प्ले स्टार्ट करते टाइम में जो है यहाँ पर जो कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि यार काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि गेम स्टार्ट होते टाइम जो है कुछ डिफरेंस देखने को मिला है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं वीडियो को थोड़ा भी स्किप या फिर फॉरवर्ड नहीं करूँगा, देखेंगे कि कितने टाइम में गेम प्ले ओपन हो जाता है। तो फिलहाल देख सकते हैं आप जो जज कर सकते हैं, मतलब यार आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपका प्रीवियस वर्जन है तो उसमें कितना टाइम लगता है और इसमें कितना टाइम लगता है देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गेम प्ले ओपन हो चुका है, मतलब गेम की होम स्क्रीन लॉबी में हम आ चुके हैं। अब जो हम एक स्टॉपवॉच भी रख लेते हैं, क्योंकि यार कितने टाइम के लिए हमने गेम प्ले किया है वो भी हमें पता चलना चाहिए। तो ये रहा हमारा स्टॉपवॉच, थोड़ा सा ब्राइटनेस में कम कर लेता हूँ इसका। अब जो यार इसके ऊपर लाइट भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, तो यार इसे साइड में ऐसे रखते हैं और देखेंगे कि कितना हमें जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो हम जो स्टार्टिंग में एक अरीना मैच खेलेंगे, एक TDM आप बोल सकते हैं, तो TDM को लगा देता हूँ और यहाँ पर जो स्टार्ट कर देता हूँ। बैटरी हमारी 77% है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ। गाइस यहाँ पर हम हार चुके हैं, बहुत बेकार यहाँ पर मारा है गाइस, देख सकते हैं यार कितना बेकार मारा है। तो कोई ना गाइस, यहाँ पर 6 किल हमारे हो चुके हैं यार, अगर मैं जो कैमरे के सामने ना होता तो यार इनको दिखा देता। वेल इसको इग्नोर कर देते, हमारी एक दो यहाँ पर जो स्टॉप कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर जो लगभग देख सकते हैं एक गेम प्ले जो है हमारे काफ़ी जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 मिनट आप पकड़ के रख सकते हैं एक TDM की कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर जो 76% मतलब 1% ड्रॉप हो चुके हैं बैटरी। अब जो हम इसके बाद और एक खेलते हैं यार TDM, और चलो इसको फिर से कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि यार ये जो TDM बेकार गई थी, तो फिर से हम जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। Victory.
तो यार गाइज इस मैच के अंदर भी हम हार चुके हैं, लेकिन यार कोई ना, यहाँ पर जो हमने 8 किल किए थे और यहाँ पर जो फ्रेम ड्रॉप की बात करें तो यार सिंगल फ्रेम ड्रॉप भी हमें देखने को नहीं मिला है। मतलब यार थोड़ा भी इसके अंदर जो हमें फ्रेम ड्रॉप का इशू देखने को नहीं मिला, काफ़ी स्मूथली इसने जो है यहाँ पर जो है रेंडर करके हमें गेम प्ले दिया है। और मैंने जो ग्राफिक्स रखा था वो जो स्टार्टिंग में दिखाना भूल गया था, तो देख सकते हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का हमने जो यहाँ पर रखा था, तो इसके ऊपर ही ज़्यादातर लोग गेम प्ले करते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गेम प्ले हुआ है। और 74% यहाँ पर जो लगभग 10 मिनट के अंदर, 10.5 मिनट हो चुके हैं, और 77% था स्टार्टिंग में हमारा डिवाइस, तो यहाँ पर जो है आपको 3% जो यहाँ पर बैटरी के ड्रॉप देखने को मिल जाती है। बाकी यार सेटिंग के अंदर जाकर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो बैटरी का टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ कि कितना परसेंट यहाँ पर जो टेम्परेचर हाई हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 27 आई गेस था, तो अब जो 33 हो चुका है, तो यार नॉर्मल सा ही देखने को मिल जाता है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। तो चलो यार अब जो एक क्लासिक भी खेल के देखते हैं, क्लासिक के अंदर जो यार पता चलता है कि उसमें फ्रेम ड्रॉप होते हैं या फिर नहीं। अब जो यार देखो मैं जो उतरते समय भी मर सकता हूँ, क्योंकि यार मैं जो जाने वाला हूँ वो न्यू मैप आया है उसके अंदर, और इसके ऊपर जाऊँगा तो यार ऑब्वियसली बात है मर ही जाऊँगा। लेकिन यार हमें जो चेक करना है कि फ्रेम ड्रॉप होता है या फिर नहीं, तो यार इसके अंदर इशू आ जाता है पिंग का ऑटोमेटिकली, तो यार डिवाइस के ऊपर ब्लेम मत करना आप लोग। तो चलो मैं जो एक लगा देता हूँ फिर से क्लासिक मैच, और देखते हैं प्लेन में से जंप करते टाइम क्या हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। तो गाइज अब जो यार हम जो इस आइलैंड के ऊपर जो उतरते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है भी या फिर नहीं। तो यार यहाँ पर जो है मैं उतरते समय मर भी सकता हूँ, और रही बात कि यहाँ पर लैग होता है, तो यार ये जो डिवाइस का इशू नहीं है मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, फिर भी चलो उतरते हैं हम यहाँ पर, देखते हैं क्या सीन होता है। भाई यार बंदे बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पे, मैं उतरते समय मर ही सकता हूँ यार, लेकिन कोई ना भाई चलो। देखो भाई मर चुका हूँ यहाँ पर, भाई यार सब 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 गए यहाँ पे। तो भाई यार यहाँ पर हल्का सा नॉर्मल सा यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप हुआ था, जो कि मैं एक बंदे के ऊपर स्प्रे दे रहा था और उसके बाद जो शिफ्ट किया था ना स्प्रे मैंने, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा हल्का सा फ्रेम ड्रॉप लगा, लेकिन यार वो जो कुछ ही सेकंड्स के लिए था उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जो बैक आ जाता है नॉर्मल का, लेकिन यार यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा हुआ है। और ये जो यार बंदे भी आप लोग देख सकते थे लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा था, 10-20 बंदे तो आराम से होंगे वहाँ पे, लगभग 5 से 6 टीम तो होंगी होंगी वहाँ पे, तो उतना चलता है यार, ऐसा कोई भी नहीं है वो जो सभी डिवाइस के अंदर जो वैसा फ्रेम ड्रॉप होता है। इस ऐसे सिचुएशन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ और ना ही होगा कभी गाइज, थोड़ा बहुत जो हो जाता है लेकिन वो जो यार एडजस्ट कर सकते। और ये जो अपडेट मुझे वैसे अब तक जो खास लगा है, लेकिन हाँ थोड़ी जो बैटरी बैकअप जो थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो आप जो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई करना है या फिर नहीं, या फिर आप हम फुल रिव्यू का वेट कर सकते हैं, मैं जो फुल रिव्यू के अंदर जो सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ये जो अपडेट कैसा है। तो चलो अब जो मैं इस मैच को यार ख़त्म करते हो थोड़ी देर बाद, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो गाइज अराउंड मैंने जो है
33 मिनट हो चुके हैं, मतलब आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है मैंने जो तब से गेम प्ले किया है। और यहाँ पर जो अब जो डिवाइस की बैटरी की बात करें तो 66% जो यहाँ पर बैटरी हो चुकी है। और यार यहाँ पर कितनी परसेंट बैटरी ड्रॉप हुई है आप खुद ही देख सकते हैं यार, यहाँ पर थोड़ी बैटरी जो मेरे ख्याल से ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। अब क्या ही कर सकते हैं यार, इस अपडेट के अंदर थोड़ी सी बैटरी मेरे को कमज़ोर लग रही है। तो चलो अब जो हम गेम को बंद कर लेते हैं और जाते हैं सेटिंग के अंदर, वो चेक कर लेते हैं कि कितना परसेंट जो यहाँ पर मतलब टेम्परेचर आ चुका है। तो लगभग जो आधा घंटे हमने खेला है 38 हो चुका है 27 से, तो यार 40 से अंदर रहता है तो अच्छी बात है, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं है। तो लेकिन यार डिवाइस की बैटरी की बात करें तो यार बैटरी थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो आप अपने ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो थोड़ा सा जो है गेम प्ले मैंने दिखाया है जिससे कि आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा, क्योंकि मी 11x से जो यार काफ़ी लोग जो है गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो अपडेट करना है या फिर ना ही करना ये जो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो अपडेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी जो बैटरी के अंदर जो मुझे दिक्कत लगी है, अगर आपके साथ भी अभी भी वैसा ही बैटरी बैकअप मिल रहा है पुराने वर्जन के ऊपर, तो आप जो इस अपडेट को कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर टिल देन एंड बाय बाय।